हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एनसीईआरटी की सभी बुक्सों को एक बार पढ़ेंगे इन्हीं लेक्चरों में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके कवर पेज पर आपको यही मिलेगा डला हुआ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, कक्षा छठवीं की है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी बुक्स होंगी ये आपकी एनसीईआरटी से संबंधित 12th तक, तो ये इसके लिए हम लोग एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी के नाम से कोई बनाए। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग खत्म करते जाएंगे उसी में आपके डालते जाएंगे। ठीक है, उसी में जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और मुझे भी। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी से संबंधित हम लोग एक लेक्चर पहले बना चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि कौन कौन सी हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। तो याद रखिए ये लेक्चर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज, इसी नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है और इसी में वो लेक्चर भी डला हुआ है और ये जितने भी आपके एनसीईआरटी से संबंधित आएंगे वो भी उसी में पढ़े जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कक्षा छठवीं में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर देखना है। याद रखिए टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इस बुक्स को, वहां से पढ़ लेना जो जो छूट जाए। ठीक है, जो मैन रहेगा वही बता देंगे हम। या सबसे पहले याद रख लेते हैं भारत का संविधान, तो इसके उद्देशिका, हम लोग उद्देशिका इतने बार दोहराएंगे कि अपने आप आपको 100% याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इनकी पाठ सूची की। ठीक है, पाठ सूची में हम लोगों को पढ़ना क्या है उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारी विषय सूची, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली इकाई में विविधता। इसमें पहला हमारा चैप्टर होगा विविधता की समझ, फिर होगा आपकी विविधता एवं भेदभाव। दूसरी इकाई में देखेंगे सरकार, सरकार क्या है। तीसरा चैप्टर, फोर्थ नंबर का चैप्टर है चौथा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। फिर बात करेंगे तीसरी इकाई में स्थानीय सरकार और प्रशासन। पांचवा चैप्टर इसमें होगा हमारा पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन। फिर होगी इकाई नंबर 4, आजीविकाएं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं और शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। ठीक है, ये हमारी 4 इकाइयां हैं, इन्हें देखेंगे। ठीक है, यही बात कर लेते हैं भारत का संविधान भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो अनुच्छेद 51 का में है, तो इन्हें देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और विदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान को सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन जीव, नदी, वन्य जीव जीव है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए वेतन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पिति बाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। इतना क्लियर है, अगर हमारे देश में लोगों को लोग मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, तो हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि कई लोगों को मौलिक अधिकार तो अपने पता है, लेकिन उन्हें मौलिक कर्तव्य पता नहीं है अपने। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में विविधता के बारे में, इकाई में देखेंगे विविधता, उसमें बात करेंगे हम लोग विविधता की समझ। ठीक है।